Hello students, I'm Charanjit Singh and we are continuing from the previous OSI reference module. Today we are going to see TCP IP architecture. TCP IP architecture mein humne dekha hai ki sab protocols pe kaam karta hai. So ye protocols layered hai. Now in the layered protocols, how the TCP IP protocol functions, that is how we are going to see. तो ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन प्रोटोकॉल क्या है. प्रोटोकॉल है सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिकेटिंग पीयर्स. और उसमें क्या होता है, उसके अंदर सेट ऑफ वैलिड मैसेजेस होते हैं और मीनिंग ऑफ ईच मैसेज इज ऑल्सो एनक्लोज्ड. अ प्रोटोकॉल इज नेसेसरी फॉर एनी फंक्शन दैट रिक्वायर्स कोऑपरेशन बिटवीन द पीयर्स. बिना प्रोटोकॉल के दो डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट डज द प्रोटोकॉल टेल अस. प्रोटोकॉल हमें समझाता है मैसेज का सिंटैक्स, दैट इज वो क्या क्या फील्ड उसमें है और उनका फॉर्मेट क्या है. प्रोटोकॉल हमें सिमेंटिक्स भी बताता है मैसेज के, कि मैसेज का मतलब क्या है, ओके मैसेज है या फिर रिसीवर को कोई गलत मैसेज मिला है या करप्टेड फाइल मिली है, और जो रिसीवर है उसको रिसीप्ट के ऊपर क्या मैसेज या क्या एक्शन लेना है वो भी हमें प्रोटोकॉल ही बताती है. अगर उसको ओके मैसेज मिला है तो उसको रिसीव करना है, अगर ओके मैसेज नहीं मिला है तो हमें रिक्वेस्ट करना है रिट्रांसमिशन ऑफ द फाइल, और अगर रिट्रांसमिशन करनी है तो हमें एंटायर फाइल चाहिए या फिर एक पोर्शन फाइल का चाहिए जो ठीक नहीं आया है. तो ये हमें प्रोटोकॉल बताती है. एक और तरीका जो प्रोटोकॉल को हम देख सकते हैं, प्रोटोकॉल बेसिकली इज अ सर्विस प्रोवाइडर. द एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड फाइल ट्रांसफर सर्विस. पीयर एंटिटीज यूज द प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द हायर लेवल पीयर एंटिटी. प्रेजेंटेशन लेयर वो एप्लीकेशन लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है, सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर को प्रोवाइड करती है. तो पीयर एंटिटीज जो है प्रोटोकॉल को सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं टू द हायर लेवल. फॉर एग्जाम्पल पोस्टल वर्कर्स जो है हमारे, वो कैसे लेटर्स ट्रांसफर करते हैं, वो रिलायबली ट्रांसफर करते हैं, रिलायबली नहीं ट्रांसफर करते हैं, और अगर नहीं ट्रांसफर करते हैं तो हमें जो सेंडर होता है उसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है रिट्रांसमिशन के लिए. तो ये जो सब है ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स हमें इंफॉर्मेशन देती है. नाउ वी हैव लेयरिंग ऑफ द प्रोटोकॉल्स. A network that provides many services needs many protocols. अब presentation layer जो protocol चाहिए वो different है, session layer को जो protocol चाहिए वो different है. तो जैसे ही हमें protocols जो चाहिए, अगर वो ज्यादा services provide करनी है तो ज्यादा protocols चाहिए होंगे. तो it turns out that some services are independent but others are dependent on each other. That is why we need protocol layering. प्रोटोकॉल लेयरिंग में हम अगर प्रोटोकॉल ए है वो एक प्रोटोकॉल बी यूज कर सकती है फॉर एग्जीक्यूशन. जैसे पैकेट ट्रांसफर है वो एक स्टेप है एग्जीक्यूशन फॉर रिलायबल ट्रांसफर ऑफ फाइल. अगर एक प्रोटोकॉल है ए दैट मे यूज प्रोटोकॉल बी फॉर अ स्टेप इन इट्स एग्जीक्यूशन. दिस फॉर्म्स अ डिपेंडेंसी विच इज कॉल्ड लेयरिंग. अगर एक प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल का सहायता लेती है काम करने के लिए तो इसको हम लेयरिंग बोलते हैं. और रिलायबल फाइल ट्रांसफर के लिए लेयरिंग पे जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं लाइक अ सबरूटीन प्रोटोकॉल स्टैक. अ प्रोटोकॉल स्टैक इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल लेयर्स एंड ईच लेयर यूजेस अ लेयर बिलो एंड प्रोवाइड्स सर्विस टू द लेयर अबव. तो इसमें क्या है कि एक लेयर जो है वो नीचे वाले का सर्विसेज यूज करती है और ऊपर वाले लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है. द की आइडियाज इन अ प्रोटोकॉल स्टैक आर दैट वंस वी डिफाइन अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ लेयर वी नीड टू नो नथिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ हाउ द लेयर एक्चुअली इंप्लीमेंट्स दिस सर्विस. इसका मतलब है कि जब हमें एक सर्विस प्रोवाइड देती है तो अगर जो लोअर लेयर उसके ऊपर क्या काम कर रही है हमें उसकी कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है. वो अपना काम करके जिस तरीके से अपर लेयर को इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रही है.
तो इसका मतलब यह है कि जो लोअर लेयर है, जैसे ही वो सर्विस प्रोवाइड करती है अपर लेयर को, तो वो अपर लेयर से इंफॉर्मेशन हाइड करती है। दिस हेल्प्स इन स्टॉपिंग द ओवरलोडिंग ऑफ द लेयर्स एंड इट डीकपल्स एनी चेंजेस। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग लेयर्ड? दिस ब्रेक्स अप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस। इट कैन कंपोज सिंपल सर्विस टू प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स वंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर HTTP प्रोटोकॉल है वो जावा लेयर्ड है ओवर TCP/IP, एंड इन ऑल दीज यू सी दैट आईपी इज बिगी बैकिंग ऑन TCP, TCP इज बिगी बैकिंग ऑन द HTTP। नाउ ऑल दीज हैव ब्रोकन डाउन देयर ओन वर्क एंड दैट इज बींग इज नॉट बींग इंटरशेयर्ड। सो अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ बींग लेयर्ड इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। हम सेपरेटली इंप्लीमेंटेशन करते हैं और उसका स्पेसिफिकेशन देते हैं। दिस कैन चेंज इंप्लीमेंटेशन एज लॉन्ग एज सर्विस इंटरफेस इज मेंटेन्ड। और हम लेयर्स की फंक्शनैलिटी है उसको जो यूज कर सकते हैं अगर हम लेयरिंग इस्तेमाल करें। अपर लेयर्स कैन शेयर लोअर लेयर फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, विंडसॉक, इट कैन बी यूज ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑल्सो। अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेयरिंग की, क्योंकि हमने जैसे पहले देखा कि लेयरिंग जो है वो इंफॉर्मेशन हाइड करती है। इफ इट डिडंट, देन चेंजेस इन वन लेयर कुड रिक्वायर चेंजेस एवरीवेयर। अगर वो इंफॉर्मेशन पूरी देती है तो पूरा इंफॉर्मेशन चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन लेयरिंग वायलेशन। तो इसलिए हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड, बट अगर हम इसको ये देखें कि लेयरिंग जो है अगर वो इंफॉर्मेशन हाइड करती है तो उससे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नाउ सम अदर प्रॉब्लम्स विद लेयरिंग आर दैट हिडन इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। अगर पूरी इंफॉर्मेशन अपर लेयर को दी जाए तो अपर लेयर जो है वो अपना परफॉर्मेंस एनहांस कर सकती है, बट अगर हम उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तो वो लेयर ओवरलोड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल मे थिंक packets losses always because of network congestion. If it is instead of due to lossy link, then flow control breaks. तो आप देखेंगे कि अगर वो congestion की वजह से flow control रुक रहा है या lossy link की वजह से रुक रहा है, अगर इसका पता चलता है upper layer को तो उसके वो improvement के लिए काम कर सकती है। And जगह जो information hidden है कि वो किस किस लिए वो इंफॉर्मेशन वो लॉसी लिंक है या वो कंजेशन की वजह से है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं तो अपर लेयर उसके ऊपर काम नहीं कर सकती है। इन लेयरिंग देयर इज अ टेंशन बिटवीन इंफॉर्मेशन हाइडिंग दैट इज अब्स्ट्रैक्शन एंड अचीविंग गुड परफॉर्मेंस। आर्ट ऑफ प्रोटोकॉल डिजाइन इज टू लीक इनफ इंफॉर्मेशन टू अलाउ गुड परफॉर्मेंस, बट नॉट दैट मच टू ओवरलोड द लेयर व्हिच इज ऑन द टॉप। तो हमारे को जब लेयरिंग डिजाइन करनी है तो हमें ऐसा डिजाइन करना है कि जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन शुड गो टू द अपर लेयर सो दैट इट कैन फंक्शन प्रॉपरली, बट इट शुड नॉट ओवरलोड द अपर लेयर्स। TCP/IP आर्किटेक्चर वॉज डिवेलप्ड फॉर द US डिफेंस, दैट इज द DARPA, एंड इट इज नाउ यूज फॉर द ग्लोबल इंटरनेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, there is no official model but a working one. It has, यहाँ पे हम इनको 5 layers दिखा रहे हैं, notwithstanding that कि हमारी जो host to host और transportation layer and internet layer are clubbed here, तो TCP/IP protocol actually has 4 layers, that is the application layer, transport layer, network layer and physical layer. अब हम TCP/IP architecture protocols की independent layers को देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। इससे पहले कि हम उनके ऊपर लेयर्स के ऊपर आए, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल का एक बार फिर हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो 7 layers हैं OSI रेफरेंस मॉडल की और 4 layers TCP/IP मॉडल की, जो OSI मॉडल की टॉप 3 layers आर देयर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, दे आर मर्ज्ड इनटू वन एप्लीकेशन लेयर इन द TCP/IP मॉडल। द ट्रांसपोर्ट layer is converted into host-to-host communication layer. Network layer is available in both
OSI reference model and TCP/IP model and physical layer and data link layer are clubbed into physical layer in the TCP/IP model. Taking the layers independently, jo physical layer hai, physical interface, it is between the transmission device and the receiving device. So jo communication hai, that is between the transmitter and the receiver. And the characteristics of the transmission medium are signal levels and data rates. Signal levels are 0 and 1, and data rates is the speed of the data on which it is being transported. Whether it's a 56.6 kbps modem or it's a 100 mbps link, that is the data rate will depend on the channel that we are using. Next comes is the network access layer and the internet layer. These two are one in the TCP/IP architecture. This exchange data between the system and network. It provides destination address and it invokes services like priority. Priority is class of service. Agar hum voice messages bhej rahe hain, toh unko sequence mein hona zaruri hai and they should get top priority on the link. Whereas agar hum email bhej rahe hain, toh usko ek lower priority bhi mil sakti hai. Internet layer, is system mein, this can be attached to different networks, routing functions across multiple networks, and it is implemented in the end of the system and routers. This is the layer which is used for basic communication and address resolving. Next layer is the transport layer, which ensures reliable delivery of data and ordering of delivery. By ordering of delivery is the sequencing of delivery. Like we discussed before, agar video ya voice messages hain, the packets have to go in a sequence, whereas in emails, the order can be different when they can be aggregated at the receiver end. The last layer is the application layer. This is the HMI, the human machine interface, and it supports all the user applications, and the protocols which are supported here are HTTP and SMTP. So, humne dekha ki OSI model ke andar 7 layers hain: application, presentation, session, transport, network, data link and physical layers. ये जो model है सिर्फ reference के लिए use होता है, इसीलिए इसका नाम OSI reference model है. Whereas the workable model is the TCP/IP model, which was developed for the DoD but now is being globally used. It has 4 layers, which are application, host-to-host communication layer, network layer and physical layer. Thank you very much, students.